बिहार के बच्चों ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाया है। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड अंतर्गत सुक्की गांव निवासी किसान मनीष कुमार मिश्र व शिक्षिका सुप्रीता कुमारी की बेटी दीक्षा कुमारी कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट तक पहुंचने में सफल रही। इसका प्रसारण आज और कल शाम को किया जाएगा। एक सरकारी स्कूल से शिक्षा हासिल करने वाली इस लड़की की उपलब्धि से क्षेत्र के लोगों में हर्ष है। इस सप्ताह केबीसी में स्टूडेंट स्पेशल वीक चल रहा है। इसके तहत बच्चों को खास तौर पर मौका दिया जा रहा है। बच्चे अमिताभ बच्चन के साथ इस खेल का पूरा आनंद ले रहे हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद दीक्षा ने हॉट सीट हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। अब सभी को इस बात का इंतजार है कि वह खेल में किस पड़ाव तक पहुंचती है। दीक्षा आईएएस बनना चाहती है। सुनिए दीक्षा के पिताजी क्या कह रहे हैं, साथ ही उनके माँ भी क्या कह रही है। बढ़ाना चाहिए समाज को, उसमें उतना कोऑपरेट करना चाहिए और मेरी बेटी और आगे अच्छा करे और समाज की अन्य बेटियां भी इसकी देखा देखी आगे बढ़ने की प्रयत्न करें। अगर कोई बढ़ पाए तो मैं इसके लिए इसको रोल मॉडल की तरह समाज में चाहती हूँ कि लोग इसको अपना प्रेरणा स्रोत बनाए और भी आगे बढ़े। मतलब गांव से बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं हमारे समाज में कि गांव के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, किसान के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लड़की नहीं पढ़ सकती, लड़की ये नहीं कर सकती। अभी भी मेरी बच्ची जो केबीसी में गई तो कई सारे लोगों ने प्रश्न उठाया कि मतलब ये गाँव से बेटी है कैसे जाएगी वहाँ मुंबई तक, लेकिन मैंने इन बातों को कभी दिल से नहीं लगाया। मैं तो हमेशा इसे बहुत ऊंचाई तक देखना चाहती हूँ। लड़की है ये, कोई बाधा नहीं है, किसान की बेटी है कोई बाधा नहीं है। अपने दिल में इसका जज्बा हो, जोश इतना जुनून हो कि हर ऊंचाई को छूले, जो इसका एम है वो उसे प्राप्त हो जाए। और हर मैं कामना करती हूँ कि समाज की हर बेटियों की सपना पूरा हो, उसे अपना लक्ष्य प्राप्त हो। मतलब समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो कटिली सवाल सब कर रहे थे। जी, समाज में तो बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं कि बेटी है इसको इतना आगे बढ़ा रही है, लेकिन मैं तो अपना जी जान से कोशिश करती हूँ कि इसे बहुत ऊंचाई मिले, बुलंदियों को छू ले और इसका हर स्वप्न साकार हो। क्या नाम हो आपका? सुप्रीता कुमारी। मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि मेरी बेटी इस सुदूर देहात से वहाँ तक पहुँची, उस हॉट सीट पर बैठ के अमिताभ बच्चन को प्रश्नों का जवाब दी और जो कर पाई वो मेरे लिए अविस्मरणीय है। मैं उसे बहुत उत्साह और आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। और क्या संदेश देंगे आप? मैं यही संदेश दूंगी कि बच्चे जहाँ तक बढ़ना चाहे माँ बाप को उसे हर संभव सपोर्ट करना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चे की उड़ान ऐसी हो कि मतलब हम लोग के स्कूल में एक ठो प्रार्थना करवाया जाता है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। तो मैं अपनी बेटी को ऐसा ही सीख देती हूँ कि तुम इतना ऊंचा उड़ो कि मतलब सूरज की किरण तुम पर नाज करे। दरअसल दीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय मधुबनी की 8वीं की छात्रा है। वो अपने चयन को लेकर काफी उत्साहित है। शिक्षा संवर्धन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्था के माध्यम से लगातार 20 दिनों तक हुई ऑनलाइन परीक्षा के बाद मेधा के आधार पर 1.5 लाख बच्चों में से 8 बच्चों का चयन किया गया। इसमें दीक्षा ने भी सफलता हासिल की। कैसा कैसा सवाल सब रहा, कैसे कैसे सवाल सब किए थे आपके साथ? इसमें सवाल मतलब गेम का सवाल या फिर वो जो मैंने क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे प्रोसेस हुआ था, कितने लोगों में सेलेक्ट हुई आप? तो सबसे पहले जब हम केबीसी देखते थे टीवी पे तो उसी में एक दिन बच्चा सर ने ऐड दी थी कि केबीसी स्टूडेंट स्पेशल वीक के लिए वेदांतु पे वीक क्विज होता है जिसके जरिए आप केबीसी तक पहुँच सकते हैं। तो पूरे देश से करीब 1.5 लाख बच्चों ने वो वीक क्विज में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से कि कुछ बच्चों को अगले ऑडिशन राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया था। और फिर उसी की तरह फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारे राउंड्स हुए और उसी में शॉर्टलिस्टेड होते होते उन 1.5 लाख बच्चों में से सिर्फ 8 बच्चे केबीसी तक पहुंच पाए और जिन 8 बच्चों में से सिर्फ 5 हॉट सीट तक पहुँच पाए। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी उन 5 में से एक थी। तो कितने सवाल आपसे किए गए? ये तो गिनती याद नहीं। अच्छा, वो इसमें तो कौन बनेगा करोड़पति रुपये भी शो करते हैं, तो आपने कितने सवालों का जवाब दिया और कितने राशि आपने ये कमाया?
वो तो 6,40,000 वो तो पॉइंट्स हैं, वो जब एज पूरेगा तब 18 साल के बाद मिलेंगे। 6,40,000 तक का आपने जवाब दिया, तो काफ़ी कटीली सवाल भी पूछा होगा, एक दो को सवाल बताइए कि उनको सवाल किया था शायद जवाब जिसका तुम हेल्प ली ना बताओ चार। अमिताभ बच्चन ने कौन कौन से सवाल आपसे किए थे जो आपको टफ लगा था? ऐसे तो वहाँ पे हर क्षेत्र से सवाल किए जाते हैं, चाहे वो आपके राज्य के बारे में हो, चाहे संस्कृति के बारे में, चाहे धर्म, चाहे खेलकूद, सारे विषयों से संबंधित वहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ एक दो सवाल ऐसे थे जो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा था, जैसे एक सवाल था कि सचिन तेंदुलकर ने कितने टेस्ट मैच खेले हैं, तो ये सवाल मुझे थोड़ा मुश्किल लगा था और मैंने इसका उत्तर देने के लिए मैंने लाइफलाइन का यूज़ किया था। अब बिहार से रिलेटेड क्या कुछ सवाल किया था? बिहार से रिलेटेड एक सवाल उन्होंने पूछा था कि कौन सी ऐसी भाषा है जो बिहार के क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं आती है, उसके ऑप्शंस के थ्रू उसका आंसर देना था। तो उसके ऑप्शंस थे कि भोजपुरी, मैथिली, डोगरी और मगही। तो इसका सही उत्तर तो डोगरी ही होता और ये मुझे पता था क्योंकि डोगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है। तो आप मधुबनी से हैं, मधुबनी जिला से, मधुबनी से रिलेटेड भी कुछ ऐसी संस्कृति के बारे में कुछ सवाल किया ऐसा नहीं किया गया? आपके विद्यालय से रिलेटेड आप कौन विद्यालय में हैं, इस विद्यालय से कुछ रिलेटेड पूछा गया प्रश्न? नहीं ऐसा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीक्षा कुमारी है। दीक्षा दो भाई बहनों में छोटी है। उनके बड़े भाई दीर्घदर्शन कुमार भी जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय के छात्र है। इसी वर्ष मार्च 2020 में 10वीं उत्तीर्ण किया है। दीक्षा की प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही, सरकारी विद्यालय से ही हुई है, अपनी माता की देखरेख में हुई है। इसके बाद उनका चयन नवोदय स्कूल के लिए हुआ। इधर केबीसी की हॉट सीट के लिए दीक्षा का चयन की चर्चा गांव व आसपास में जोर शोर से हो रही है। खासकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से भेंट का अवसर मिलने को लेकर सभी उत्साहित हैं।